हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्प्रेड योर नॉलेज। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम कवर करेंगे 5th और 6th जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। चलो फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल? तो इसराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नफ्ताली वेनेट, यार लैपिड, दिनकर गुप्ता, तपन कुमार डेका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यार लैपिड। यार लैपिड हैज़ बीन ऑफिशियली बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल आफ्टर रिप्लेसिंग द नफ्ताली वेनेट। तो यार लैपिड नफ्ताली वेनेट को रिप्लेस करके इसराइल के 14वें प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट इसराइल। तो इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इसराइल की करेंसी है न्यू शकील। इसराइल के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो वो हैं इसाक हर्ज़ोग। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी अबाउट इसराइल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ डेवलप ईवी मित्रा मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ईवी चार्जिंग स्टेशन इन बेंगलुरु कर्नाटका? तो बेंगलुरु कर्नाटका में ईवी चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने ईवी मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया है? वेस्कॉम, यूनिस्को, यूनिसेफ, WHO। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वेस्कॉम, बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। द बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हैज़ डेवलप ईवी मित्रा मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ईवी चार्जिंग स्टेशन इन बेंगलुरु कर्नाटका। ईवी मीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने कर्नाटका के बेंगलुरु में ईवी चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ईवी मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन जुलाई 2022? तो किस इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ने जुलाई 2022 में एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? IIM अहमदाबाद, IIM कोलकाता, IIM लखनऊ, IIM शिलोंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है IIM शिलोंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग ने हस्ताक्षर किए हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टनरशिप इज़ टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इस पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना और स्टार्टअप करना इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। एज ए पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट बोथ इंस्टीट्यूट विल शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरीज। तो इस एग्रीमेंट के अनुसार दोनों इंस्टीट्यूट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को शेयर करेंगे, लेबोरेटरी और लाइब्रेरीज को। ये देखो एग्रीमेंट साइन हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया टू क्लॉक ए सब 9 मिनट टाइम इन द वुमेंस 3000 मीटर रनिंग इवेंट? तो महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ में स्पर्धा में 9 मिनट का समय पूरा करने वाली भारत की पहली एथलीट कौन बनी है? मतलब कि महिलाओं में 3000 मीटर पूरी करने वाली 9 मिनट से पहले कौन सी एथलीट बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पारुल चौधरी, द्युति चंद, पीटी उषा, हिमा दास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पारुल चौधरी। शी कवर द डिस्टेंस 8 मिनट 50 सेकेंड 0.19 टू फिनिश थर्ड। तो इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है 3000 मीटर को कवर करने के लिए? 8 मिनट 57 सेकेंड 0.19। शी ब्रोक द 6-year-old नेशनल रिकॉर्ड सेट बाय सूर्या लंगोथन इन अप्रैल 2016। तो सूर्या लंगोथन ने रिकॉर्ड सेट किया था, इस रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक कर दिया है। शी हैज़ बिकम द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया टू क्लॉक ए सब 9 मिनट टाइम इन द वुमेन 3000 मीटर इवेंट। तो 3000 मीटर में
9 मिनट से पहले पूरा करने वाली पहली एथलीट बन गई हैं पारुल चौधरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर हैज़ वॉन दी ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो किस फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है? ल्यूस हैमिल्टन, सर्गियो पेरेज, मैक्स वर्स्टैपन, कार्लोस सैनिज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्लोस सैनिज। सेकंड पोजीशन पे रहे रेडबुल के सर्गियो पेरेज एंड थर्ड पोजीशन पे मर्सिडीज के ल्यूस हैमिल्टन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2022। तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सिन्नी शेट्टी, नेहा दुपिया, दिनो मोरिया, मल्लिका अरोड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिन्नी शेट्टी। सिन्नी शेट्टी हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2022। शी विल नाउ रिप्रेजेंट इंडिया एट द 71st मिस वर्ल्ड पैगेंट। तो सिन्हा शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। अब वह 71वें मिस वर्ल्ड पैगेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली कौन सी स्टेट टॉप पे रही? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा हैज़ टॉप द रैंकिंग ऑफ स्टेट्स फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NFSA फॉलो बाय उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश द गवर्नमेंट। तो मैंने आपको अभी बताया कि ओडिशा क्या रही, टॉप पे रही इम्प्लीमेंटेशन करने में NFSA को, नेशनल फूड सिक्योरिटी को, और सेकंड पे रही उत्तर प्रदेश और थर्ड पे आंध्र प्रदेश। तो यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर पीयूष गोयल रिलीज दी स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA 2022। तो जो हमारे फूड और कंज्यूमर अफेयर यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट ओडिशा, तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। इसके सीएम कौन है ओडिशा के, तो वो है नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है, वो है गणेशी लाल। और ये फेमस किसके लिए है, हेरिटेज साइट्स एंड एंथ्रेलिंग व्यूज़ के लिए ये फेमस है ओडिशा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? टी राजा कुमार, परमेश्वरन आयर, दिनकर गुप्ता, तपन कुमार डेका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टी राजा कुमार। टी राजा कुमार ए सिंगापुरियन हैज़ बीन नेम प्रेसिडेंट ऑफ द FATF। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द नेटो समिट 2022 हेल्ड रिसेंटली। तो हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? मैड्रिड, कोपेनहेगन, ब्रुसेल, न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैड्रिड। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में नाटो समिट 2022 हुआ। द 2022 नेटो मैड्रिड समिट वॉज हेल्ड इन मैड्रिड स्पेन। तो 2022 नेटो मैड्रिड समिट कहाँ पे हुआ, मैंने आपको अभी बताया मैड्रिड की, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। दिस वॉज द 32 एडिशन ऑफ द समिट सिंस द फर्स्ट समिट मीटिंग हेल्ड इन पेरिस इन 1957। तो 1957 में पेरिस में हुई पहली शिखर बैठक के बाद ये शिखर सम्मेलन का 32वां संस्करण था। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट नेटो, तो नेटो फॉर्मेशन कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है ब्रुसेल बेल्जियम में। नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टॉल्टन बर्ग। नेटो के टोटल मेंबर है 30। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंड इन 1949 एंड इज ए ग्रुप ऑफ 30 कंट्रीज फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका दैट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड टेरिटरी ऑफ इट्स मेंबर।
तो नेटो की स्थापना 1949 में हुई थी और ये यूरोप की उत्तरी अमेरिका के 3 देशों का एक समूह है जो अपने सदस्यों के लोगों और क्षेत्र की रक्षा के लिए मौजूद हैं। आज का लेक्चर हमारा बस इतने तक ही था। अगर आपके लिए वीडियो 1% भी यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।